को सुनवाते हैं। लोकदल और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबकी ओर से इस महत्वपूर्ण नगरी में मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 102 लोकसभा सीटों पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का एक उत्साह, उमंग जनता जनार्दन के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को ध्यान में रख करके जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के 8 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों की कोई खाता नहीं खुलने जा रहा है और दूसरे तीसरे चरण के लिए भी उसी बात का आह्वान करने के लिए आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत और गरीब कल्याण की जिन योजनाओं को पिछले 10 वर्ष के अंदर इस देश ने मूर्त रूप लेते हुए देखा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। इस सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर लोकसभा चुनाव 2024 हम सबको प्राप्त हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है, अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को तो प्रधानमंत्री जी ने वह सब कुछ दिया जो यहां की जनता जनार्दन की दशकों से मांग थी, दशकों से मांग थी। जो लोग कभी इस बात के लिए नहीं सोचते थे कि यहां पर भी इस प्रकार के कार्य हो पाएंगे, उन सभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए याद करिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। अब विश्वविद्यालय बनकर के तैयार होकर के सत्र भी प्रारंभ कर चुका है। डिफेंस कॉरिडोर इसी अलीगढ़ को प्राप्त हुआ है और बहनों और भाइयों, आपने अयोध्या देखी होगी, रामनवमी के अंदर भगवान राम का सूर्य तिलक 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने और इस अद्भुत अलौकिक अवसर का आप सबको आनंद और गौरव प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने हैं, पास में और वर्तमान में खड़े हैं और मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, जिन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपकी सुरक्षा को सेंध लगाने का प्रयास किया, अब अवसर आ गया है चुनाव के माध्यम से उनकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता सौंपे, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा और दुनिया ताकत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश भर का जो स्वर जुड़ रहा है उस स्वर के साथ हम भी उस स्वर के साथ अपना स्वर मिलाएंगे। वह स्वर है फिर एक बार अब की बार आप सभी लोग इस विश्वास के साथ आप सबसे अपील करूंगा, अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सतीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है और अनूप प्रधान
हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कमल चुनाव चिन्ह के साथ आपके बीच में है। आप सबसे मेरी अपील होगी, हमें कमल चुनाव चिन्ह देखना है और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो एक अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, इस रूप में हम लोग चुनाव जिता करके भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बना करके भेजेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय जय श्री राम।